दोस्तों इस टाइप का इमेज अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप भी इस टाइप का इमेज क्रिएट कर अपलोड कीजिएगा तो आपके इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा लाइक और व्यू आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के टाइम पर एग्जाम वाला 3D AI इमेज बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो इस इमेज को बनाना बहुत ही आसान है। तो इस इमेज आप भी बनाकर डालिएगा तो आपके इमेज बहुत भी ट्रेंडिंग में जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस इमेज को बनाने के लिए गाइज आप लोग को गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो मैं गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, आप भी गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो गूगल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आपको बोल भी रहा हूँ, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं स्क्रीन पे आपको जो मैं यहाँ सर्च करूँगा उसको यहाँ पे लिख दूँगा। तो यहाँ पे बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करना, ठीक है, बिंग इमेज क्रिएटर। तो ऊपर में वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जा, सबसे ऊपर की साइड पहली ही वेबसाइट आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना है। पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेना और आपका जो इमेज क्रिएटर का अकाउंट होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पहली बार आइएगा तो आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा। इस अकाउंट को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। तो आपको अकाउंट नहीं बनाने आता है तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए इमेज क्रिएट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो आपको बहुत सारा वीडियो देगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो मैं इसका टेक्स्ट हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करना बहुत ही आसान है, आप जिस टेक्स्ट को हम डालेंगे ना उस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने रहना है और आपका जहाँ तक टेक्स्ट रहेगा एग्जाम का 3D इमेज का वहाँ तक आप ले जाएगा, आपका कॉपी हो जाएगा। और नहीं होता है इस तरीका से, हम बताए इस तरीके से कॉपी नहीं होता था। आप क्रोम पर जाइए, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को लिंक कॉपी कर लीजिए और जाइए क्रोम पर और उस वीडियो को डालिए और आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जितना भी सारा चीज़ कॉपी करना चाहते हैं और कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे ऊपर की साइड दिखने को मिलेगा एग्जाम पेपर टेक्स्ट, उसको कट कर देना है, ओके गाइस। तो यहाँ पे कट करने के बाद नीचे की साइड आना है और यहाँ पे लिखा होगा निशांत, तो यहाँ पे आपका जो नाम होगा नेम, जो आपका नेम होगा वो यहाँ पर डाल देना है। अब जो मैं तो डाल सकते हैं आपका दोस्त या रिश्तेदार कोई किसी को भी नेम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रजेश, मेरा भैया का नाम ब्रजेश। तो मैं यहाँ पे बर्जर डाल दिए, बर्जर डालने के बाद क्रिएट ज्वाइन क्रिएट पे क्लिक कर देना है जिस, ओके। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर वेट कीजिएगा और आपका जो इमेज है एग्जाम का वो आपका क्रिएट कर देगा, थोड़ा देर में वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर देना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, आप भी यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर दीजिएगा। आप बैक कीजिएगा तो आपका इमेज क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं हम इमेज बैक नहीं किए तो इमेज क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है ब्रजेश, ठीक है, आप ब्रजेश देख सकते हैं। तो जो इमेज आपको पसंद है उस इमेज पे क्लिक कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है डाउनलोड करने का भी। तो उस इमेज पे क्लिक कर लीजिए, उस पर क्लिक करने का आपको जो इस इमेज ये हमको ये इमेज पसंद है तो इस 3 डॉट का नीचे में ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ओके गाइस। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो होगा ना एग्जाम का तो यहाँ पे आपका गैलरी या फाइल में सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो फोटो आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसी तरह से हम बताया डाउनलोड करने का, उसी तरह से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। और आपको ये फोटो तीनों में से कोई भी पसंद नहीं है तो इसको फिर से क्रिएट वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और आप फिर से 3 फोटो देगा, ठीक है गाइस। तो फिर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस फोटो से भी जो कैसा लगा, अच्छा लगा तो 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगले वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप भी बोलिए जय हिंद जय भारत।